गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज डेट है 15 ऑफ अगस्त और हम आ चुके हैं भगवान बुद्ध की कर्मभूमि एंड भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली में, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। और करेंटली हम हैं राजा विशाल गढ़ के पास। वैशाली का इतिहास 2600 साल पुराना है। वैशाली नाम राजा विशाल के नाम से आया है, जो कि महाभारत के समय के एक प्रख्यात राजा थे। सामने आप टूटा फूटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल खंडर जैसा। ये है राजा विशाल का किला, इसको पार्लियामेंट भी बोलते थे। कहा जाता है कि यहाँ पे 7000 लोग बैठते थे, यहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती थी। सबसे खास बात यह है कि विश्व में प्रथम लोकतंत्र की शुरुआत वैशाली से ही हुआ था। ये सामने आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं, जिसको राजा अशोक ने बनवाया था। कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद उन्होंने कई अशोका पिलर का निर्माण करवाया था, उनमें से एक निर्माण वैशाली में करवाया था। भगवान बुद्ध का वैशाली से अच्छा खासा लगाव था। वो यहाँ पे कई बार आए थे उपदेश देने के लिए। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश यहीं पे दिया था। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पार्किंग एरिया बनाया गया है। हालांकि आपको फ्लावर्स अभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन प्लांटेशन बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है। साथ ही बैठने के लिए यहाँ पे सीटिंग एरिया बनाया गया है, तो आप यहाँ पे आकर आराम से आधा एक घंटा बैठकर फ्रेश एयर का आनंद ले सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आपको घूमने के लिए एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। मेन गेट के बगल में ही टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। टिकट प्राइस है 25 रुपीज़ पर पर्सन। 15 साल से कम उम्र के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ पे वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फॉरेन टूरिस्ट के लिए यहाँ पे एंट्री टिकट है 300 रुपीज़ का। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, तो इस बात पे एक लाइक ज़रूर बनता है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेन गेट के बगल में यहाँ पे आपको कुछ दुकानें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगे। भगवान बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी हम अशोक स्तंभ से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर बगल में आए हैं और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं वैशाली का विश्व शांति स्तूप। और ये रहा सामने विश्व शांति स्तूप। अभी देखिए टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ पे आपको देश विदेश के टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी कोविड की वजह से फॉरेन टूरिस्ट ना के बराबर है। यहाँ पे ज़्यादातर थाईलैंड, तिब्बत, जापान, नेपाल, इन सारे कंट्रीज़ के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। इंडिया के 7 विश्व शांति स्तूप में से एक है वैशाली में। ये सामने बोर्ड लगा है, यहाँ से आप विश्व शांति स्तूप का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसका हाइट है 125 फीट। इसको जापानीज़ गवर्नमेंट एंड बौद्ध बिहार सोसाइटी के कोलाब्रेशन द्वारा 1969 में बनाया गया था। ऊपर जाने के लिए ये रहा सीढ़ी। एंट्रेंस गेट पे दोनों तरफ दो बड़े बड़े शेर बनाए हुए हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर चढ़ने के लिए अपना शूज या चप्पल जो भी पहने हैं पहले यहाँ पे आपको खोलना है, फिर आपको खाली पैर ऊपर जाना है। ऊपर में भगवान बुद्ध के 4 स्टैचू हैं। चारों स्टैचू का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। चारों स्टैचू उनके लाइफ के अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाता है, जिनमें पहला स्टैचू है उनके जन्म का, दूसरा स्टैचू है उनके ज्ञान के प्राप्ति का, तीसरा स्टैचू है उनके द्वारा दिए गए उपदेश का, और चौथा जो स्टैचू है वो है उनकी मृत्यु का। विश्व शांति स्तूप के ठीक बगल में ये सामने आपको बड़ा सा तालाब दिख रहा होगा, इसका नाम है अभिषेक पुष्करणी। इसका एक अलग ही इतिहास रहा है, इसको क्रोनेशन टैंक भी बोलते हैं। यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आके बोटिंग भी कर सकते हैं। अभिषेक पुष्करणी के ठीक बगल में है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, तो आप यहां पे विजिट कर सकते हैं। इसका एंट्री टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन। म्यूजियम के अंदर आपको भगवान बुद्ध के टाइम की जो भी पुरानी चीज़ें हैं
जैसे क्वाइन वगैरह बर्तन जो भी उस टाइम की होती थी वो आप अंदर जाके देख सकते हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए आपको अंदर का सीन नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप पुरानी चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक और स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। इस स्तूप में उनकी अस्थियों को रखा गया है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनकी अस्थियों को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया था और उनमें से एक हिस्सा यहाँ पे रखा गया है वैशाली में। म्यूजियम के बगल में भगवान बुद्ध का एक बड़ा सा स्टैचू बनाया गया है और साथ में एक बड़ा सा घंटा भी है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको अलग अलग देश के मंदिर मिल जाएंगे। जैसे ये सामने आप देख रहे हैं थाई मंदिर है। मंदिर का आप कंस्ट्रक्शन देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि अंदर कोई भी टूरिस्ट अलाउ नहीं है तो हम आपको अंदर का सीन नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप बाहर से देखिए मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि आपको वैशाली का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप एक बार वैशाली ज़रूर आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।